से कम नहीं। आपके इस उमंग को, आपके इस उत्साह के भावों को, आपके इस जोश को, आपके इस समर्पण को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके ये भाव, आपका ये उत्साह, आपका ये जोश, आपका ये समर्पण नित्य नवीन बना रहे। ऐसा नहीं आज तो महाराज जी आए तो हम उत्साहित हो गए, महाराज जी आए तो रथ यात्रा निकाल दी, महाराज जी आए तो हम इकट्ठे हो गए, महाराज जी आए तो हमने जयकारा लगा दिया। ऐसे एक बार से सजना काम नहीं चलेगा। अब हम तो आपको जगाने के लिए आए हैं कि आप जागिए, अब जागने का समय आ गया, पर सदा ही जागते रहना। एक बार जाग के फिर सो मत जाना, एक बार जाग के सो जाओगे तो फिर कोई छल के जाएगा पता ही नहीं लगेगा, इसलिए सदा जागते रहना। आपके भावों को खूब प्रणाम करते हुए मुख्य विषय की ओर चलते हैं। आप कहोगे कि श्रीपति धाम क्या है, पता है माताओं हंगवा ने ठाए कोई आदियों ने ठाए, आदियों ने ठाई नहीं वे, और रथ यात्रा वाले कौन आइए कहना ठाए हमने ठा नहीं है। चलो हम बताते हैं। अब पर रहना सब चुप, शांति से सुनना बहुत अच्छी बात है। सजना आपके समाज का ही बच्चा हूँ, पथमेड़ा आपने सुना होगा विश्व प्रसिद्ध गौशाला है। बहुत छोटी सी उम्र में 15 वर्ष की उम्र में घर छोड़ के चले गए, साधु बन गए, अब साधु बन गए तो घर परिवार में सबसे दुखी माँ ही होती है। तो बेचारी माँ खूब रोती थी। अब माँ की बात आती है तो माँ पे बोलने का बहुत मन करता है, माँ के विषय में कहने का खूब मन करता है, माँ के विषय में, पिता के विषय में, बुजुर्गों के विषय में खूब बोलने का मन आता है मन में। और सजना पर उस समय हम समझते नहीं थे, ना समझते, माँ बेचारी रोती तो हम माँ को कहते कि तो भगवान को प्रसाद चढ़ाती है तो भगवान प्रसन्न होते हैं, अपने बेटे को भगवान को चढ़ा दे तेरे ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। पर अब माँ तो माँ ही है, माँ का हृदय कहाँ माने। कोई भी माँ अपने बेटे को छोड़ना नहीं चाहती, भले बेटा दुर्भाग्यशाली हो माँ को छोड़ के चला जाए, पर माँ कभी नहीं चाहती कि मेरा बेटा मेरे से दूर रहे। तो माँ खूब बेचारी रोती थी, फिर मैं बहुत नाराज होकर कहता है, ज्यादा रोती तो मैं नाराज होकर कहता कि तू ऐसा समझ तेरा बेटा मर गया। अब ये मुझे नहीं कहना चाहिए, फिर भी हम कहते थे, क्या करें, उस समय समझ ऐसी थी। अब लगता है कि नहीं, माँ का कभी हृदय नहीं दुखाना चाहिए। हम छोटी उम्र में साधु हो गए, वहाँ सेवा से वहाँ गौ माता की सेवा करते करते जीवन के 21 वर्ष व्यतीत हो गए। हमको भी लगा कि अन्य समाजों के पीछे वाले, हमको भी लगा कि जिस प्रकार से अन्य समाजों के अपने अपने स्थान हैं, अन्य समाजों के अपने अपने धर्माचार्य हैं, वे समाज अपने स्थानों के माध्यम से, वे समाज अपने धर्माचार्यों के माध्यम से समाज में कितने अच्छे अच्छे काम करते हैं। सभी लोग शिक्षा का काम कर रहे हैं, सभी लोग संस्कारों का काम कर रहे हैं, सभी लोग व्यसन मुक्ति का काम कर रहे हैं, सभी लोग समृद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं, सभी लोग संगठन का काम कर रहे हैं। हमारे समाज में ऐसा स्थान कहाँ जिसके माध्यम से हम भी समाज में ये काम करें? क्या हमारे समाज में ऐसा कोई स्थान है? अब है, पहले नहीं था। अब तो हमने समाज के लिए ही श्रीपति धाम की स्थापना करी है कि हमारा एक धाम हो, हमारा एक केंद्र हो, हम में केंद्र के माध्यम से एक जगह पर संगठित हो, हम धर्म के आधार पर एक जगह पर संगठित हो, हम धर्म के आधार पर समाज में कार्य करें, हम धर्म के आधार पर समाज को संस्कारवान बनाएं, हम धर्म के आधार पर समाज को सुशिक्षा की ओर ले जाएं, हम उस केंद्र के माध्यम से समाज में व्यसन मुक्ति का अभियान चलाएं और हम समाज को उस केंद्र के माध्यम से एक जगह पर संगठित करें, उसके लिए आपके बीच में रथ यात्रा आई है। अब आप समझना कि रथ यात्रा का और क्या उद्देश्य, हमको क्यों आना पड़ा सामने। ठाकुर जी स्वयं रथ में विराजे, वे चल के आपको सामने दर्शन देने के लिए आए हैं। वे इसलिए आए हैं कि वहाँ पर एक साथ हम सभी नहीं आ सकते। अब कागराला के सभी लोगों को वहाँ मैं बुलाऊं तो एक साथ थोड़े आप आ सकते हो, एक साथ नहीं आ सकते। तो हमने कहा कि हम ही सभी गांवों में जाएंगे। श्रीपति धाम क्यों बनाना पड़ा, श्रीपति धाम के लिए आपको क्या क्या करना है, श्रीपति धाम से आगामी क्या योजना चलेगी, श्रीपति धाम से हमारे समाज को क्या लाभ होगा, इत्यादि
इत्यादि बातों के लिए हम आपके सामने चल करके आए। हमने कहा कि हम गांव में जाएंगे तो सभी बड़े बुजुर्ग मिल जाएंगे, सभी बड़ी बुजुर्ग माताएं मिल जाएगी, सभी युवा मिल जाएंगे, सभी बच्चे मिल जाएंगे, उनको जाकर के हम एक साथ ही सभी को अपनी योजना बताएंगे, एक साथ श्रीपति धाम का महत्व बताएंगे, एक साथ श्रीपति धाम की आवश्यकता बताएंगे। इसलिए सज्जनों आपके बीच में हम चल करके सिरोही से आए। अब ये हमारे जीवन में ऐसा प्रथम अवसर आ रहा है। आपके जीवन में आपने कभी ऐसी रथ यात्रा देखी समाज की? बड़े बुजुर्ग विराजे होंगे, 80 से ऊपर के भी विराजे हैं। हमने कभी हमारे समाज के लिए ऐसी रथ यात्रा नहीं देखी जो समाज में जन जागृति के लिए आई हो, जो समाज के उत्थान और विकास के लिए आई हो। ऐसी समाज की यात्रा मैंने तो मेरे जीवन में कभी नहीं देखी थी। आपने देखी क्या? आपने भी नहीं देखी। इसलिए सज्जनों ये हमारे लिए प्रथम अवसर है, ये हमारे लिए ऐतिहासिक कार्य है। इस कार्य के लिए हम सबको तन से, मन से, धन से और भाव से समर्पण करना चाहिए। अरे सजना, ईश्वर तो किस किस को निमित्त बनाते, वो ईश्वर की कृपा है। मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि भगवान ने मुझे इस कार्य के लिए निमित्त बनाया। अगर ये कार्य समय आया था, अगर हम नहीं होते तो भी कार्य होता, पर मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो समाज का कार्य करने का अवसर मुझे मिला और परमात्मा ने कृपा करके मुझे इसमें निमित्त बनाया। इसलिए मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानता हूँ। जिस प्रकार से मैं अपने आप को साधु होने के नाते भी परम सौभाग्यशाली मानता हूँ, उसी प्रकार से आपसे भी विनम्र निवेदन है कि हम सभी समाज में जन्मे हैं, समाज का हमारे ऊपर कर्जा है और कर्जा उतारने का ऐसा सुंदर अवसर भगवान ने उपस्थित किया है। हम सभी लोग इसमें तन से, मन से, धन से, भाव से भागीदार बन के अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझे और इस कार्य में अपना कंधा से कंधा मिलाकर साथ दे। समाज में बहुत कुछ बुराइयां हैं, समाज में बहुत कुछ कमियां हैं, वे सब कमियां हमको दूर करनी है, पर कैसे करेंगे? हम लोग सबसे पहले समाज में संस्कारों का प्रत्यारोपण करना चाहते हैं। माताओं, आप सब विराजी हो, मुझे अत्यंत खुशी होती है। आज तक जितने कार्यक्रमों में गए हैं हम, आज पांचवें दिन में चल रहे हैं, पर माताएं कहीं पुरुषों से कम नहीं है। जहाँ कहीं गए हैं तो माताओं का उत्साह पुरुषों से दुगुना देखने को मिला है। इतनी माताएं, वयोवृद्ध माताएं हाथ जोड़ के सामने खड़ी रहती है। वयोवृद्ध माताएं हम चलते तो आगे आगे अपने चुंदरी से रास्ता साफ करती हैं। वयोवृद्ध माताएं ऊपर कलश उठा के सामने खड़ी है, हाथ जोड़ के सामने खड़ी, हमारा हृदय गदगद हो जाता है कि हे ईश्वर, हम इनके लिए क्या कर सकते हैं कि इनके इतने दिव्य भाव है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ऐसा हमको बार बार मन में आता है। उसी भावों को खूब प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा होता है कि हे ईश्वर, और तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर केवल आपसे प्रार्थना ही कर सकते हैं कि जो भाव इन माताओं के हृदय में, जो भाव इन बुजुर्गों के हृदय में परमात्मा ने दिया है, उस भाव को सदा ही सुरक्षित रखें, ऐसी हम प्रार्थना ही कर सकते हैं। बहुत मन में आता है कि भगवान अब कार्य अपने द्वारा करवा रहे हैं। समाज में संस्कार प्रधान होने चाहिए। प्रथम बच्चा माँ की गोद में खेलकर बड़ा होता है। आपके पास में बच्चा रहता है, आप उनको संस्कारवान बनाइएगा, संस्कार दीजिएगा। संस्कार सबसे पहले प्रणाम से शुरू होते हैं। हम कितने लोग हैं जो उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं? कोई करते हैं क्या? नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? सुबह उठ के अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, अपने दादा दादी को प्रणाम करना चाहिए। घर का व्यवहार मधुर व्यवहार होना चाहिए, घर की भाषा मीठी भाषा होनी चाहिए, घर में भक्ति का माहौल होना चाहिए। ये सब कहाँ से आएगा? ये तो शुरुआत तो हमको ही करनी पड़ेगी, और कौन आगे करेगा? तो इसलिए माताओं, आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिएगा। बचपन से बड़ों का आदर करें, मीठी भाषा बोले, व्यवहार अच्छा करें, माता पिता की सेवा करें। अब वापस माता पिता का विषय आया। माँ, माँ संसार में माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता। एक माँ अपने जीवन काल में इतना कष्ट देखती है, पर कभी अपने पुत्र को दुखी हो नहीं देख सकती। स्वयं दुखी हो जाएगी, अपने पुत्र को दुखी नहीं देख सकती। एक माँ जब बच्चा गर्भ में आता है, तब से लेके भले बूढ़ा हो जाएगा उनके सामने, फिर भी वो उसकी सेवा का ही भाव रखती, कभी सेवा लेने का भाव नहीं रखती। भले बेटा उनकी माँ की सेवा करे या न करे, उनके पिता की सेवा करे या न करे, पर माँ के हृदय से कभी ये भाव
नहीं निकल सकता कि मेरा बेटा दुखी हो जाए कि भले कैसे हो जाए, ऐसा माँ के हृदय से कभी भाव नहीं निकलता। माँ और भगवान की बराबरी संसार में कोई नहीं कर सकता। इसलिए सजना, कभी अपने माता पिता को दुखी मत होने देना, कभी माँ के आँख में दुख के आंसू मत आने देना, कभी पिता के आँख में दुख के आंसू मत आने देना। इस माँ और पिता ने हमारे लिए कितना कष्ट सहन किया है। जब बालक 9 महीना गर्भ में रहता है तो माँ को कितना कष्ट होता होगा। हम सभी किसी न किसी माँ के गर्भ से जन्मे, कोई ऊपर से नहीं टपका है। इसलिए सजना, माता पिता की सेवा करना, उनका हृदय मत दुखाना। ये माता पिता हमारे घर में चलते फिरते तीर्थ है। आप तीर्थ न जा सको तो कोई बात नहीं, चार धाम की यात्रा नहीं कर सको तो भी कोई बात नहीं। अपने माता पिता को नित्य प्रणाम करना, अपने माता पिता की सेवा करना, आपके सारे तीर्थ चल के आपके माता पिता के चरणों में आ जाएंगे। और वहीं आपको जो तीर्थों में पुण्य मिलेगा वो पुण्य माँ बाप के चरणों में आपको मिल जाएगा।